सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर फिर से स्वागत है। और आज जो है, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और आज जो है, आप लोग हमारे पैसे से लड्डू खाइएगा, और जो नहीं खा पाएगा वो अगली बार ट्राई करेगा और अगली बार उसको लड्डू ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो जैसा कि हमने बताया था कि आज आपकी जो सीरीज़ है, आज की सीरीज़ में आपको विनर घोषित किया जाएगा और आपको उपहार दिया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में 200 रुपए का इनाम। तो दोस्तों चलिए हम अपने प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि 1 अगस्त से जो सीरीज आपकी चल रही थी उसका आज आखिरी दिन है। 1-2 क्लास इसमें और चलेगी और ये 7 बजे वाली क्लास डेली चलती रहेगी दोस्तों आपकी। और जैसा कि हमने बताया था कि 16 अगस्त के बाद जो है हिस्ट्री और पॉलिटी की स्पेशल क्लास चलेगी, जिसमें आपको पूरा हिस्ट्री और पॉलिटी विस्तार में बताया जाएगा दोस्तों, जो कि सत्यम सर बताएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि हिस्ट्री और पॉलिटी, जिस तरह आप जियोग्राफी के प्रश्नों के डिस्कस किए, उसी तरह आप हिस्ट्री और पॉलिटी के प्रश्नों को भी देखेंगे। प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैं लेके आऊँगा और इसी तरह से जो है कराऊंगा। इसमें आपको उपहार भी दिया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा दोस्तों। तो इसलिए जो है आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो आप 1-2 दिन क्लास लीजिए, देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज की जो हमारी सीरीज है, आज जो विनर बनने वाला है उसके लिए थोड़ा मैं नियम और शर्त बता दूं दोस्तों। तो आज की जो क्लास है दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि आज की क्लास में आपको 32 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 2 क्वेश्चन इसमें आपका बोनस है। बोनस का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन में किसी को समस्या होती है तो ये 2 क्वेश्चन जो मिलेगा इसमें एक्स्ट्रा अंक दिए जाएंगे दोस्तों। 32 क्वेश्चन में जो है, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन आपका जो पूर्णांक है वो 30 का है और इसमें 20 नंबर पाना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 20 नंबर पाते हैं तो आप हमारे फर्स्ट विनर रहेंगे। अगर आप 17 से 20 के बीच में रहते हैं तो दोस्तों आप हमारे सेकंड विनर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर जो है 17 से 20 के बीच में कई लोग आ जाते हैं तो उसमें हमारा थर्ड विनर भी आ जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो ये था हमारा विनर का नियम। फर्स्ट विनर को जो मिलेगा वो मिलेगा 150 रुपये, जो कि आपका फ़ोन पे पर दिया जाएगा दोस्तों, या गूगल पे पर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपका पैसा रहेगा वो गूगल पे पे दिया जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप हमको व्हाट्सएप करेंगे, नंबर दोस्तों ये है, लिख लीजिए दोस्तों, 1 घंटे बाद यानी कि 9 बजे आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा लड़का जो है जो फर्स्ट नंबर पे है। तो दोस्तों आपको अपने कमेंट का कोई भी एक कमेंट का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा दोस्तों। व्हाट्सएप करने के बाद अपनी ईमेल आईडी व्हाट्सएप कीजिएगा कि आप ही की ईमेल आईडी है, और अपनी एक पिक व्हाट्सएप कीजिएगा दोस्तों। तो जब इतना आप करेंगे दोस्तों तो आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा और जो 50 रुपये है वो हमारा सेकेंड विनर पाएगा दोस्तों। तो 200 रुपये का पुरस्कार था इस पर, फर्स्ट विनर को 150 रुपये, सेकेंड विनर को 50 रुपये। जी हाँ दोस्तों, तो ये है हमारा नियम दोस्तों। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगाए जाएंगे और प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 15 सेकंड का टाइम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 15 सेकंड का आपके पास टाइम रहेगा, 15 सेकंड में आप उसके जवाब देंगे। जब आपका समय समाप्त हो जाएगा तो मैं नीचे कमेंट कर दूंगा कि आपका समय समाप्त हो गया दोस्तों। उसके बाद फिर आपका अगला प्रश्न लगेगा दोस्तों, उसका भी समय वही 15 सेकंड रहेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे द्वारा ही दी जाएंगी दोस्तों, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जो भी रहेगा वो सारा जो है मेरा कहना या मेरा निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य रहेगा दोस्तों, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज की जो क्लास है, अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और जैसा कि आपको पता होगा कि हर बार जो है मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए करता हूं, और आज खुशी का दिन है और मैं चाहता हूं कि इस खुशी में आप लोग लड्डू हमारे साथ खाएं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का प्रश्न। बस आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगने वाला है दोस्तों।
आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। जांचिए तैयारी जियोग्राफी टॉप 1000 क्वेश्चन, पढ़ो और जीतो प्रतियोगिता। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? ए समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, बी मयानी पक्षी अभ्यारण्य, सी सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, डी केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। आपके पास 15 सेकंड का समय है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, आपके आंसर की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपका समय समाप्त होता है और इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, पहले का ऑप्शन डी है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। किसे जाना जाता था? तो दोस्तों केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे जाना जाता था। और 1985 में दोस्तों 1985 में इसको जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। जी हाँ दोस्तों, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया था। और ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका राजस्थान में है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान में है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? जी हाँ दोस्तों, तो हमको बताना है, पहला ऑप्शन कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा केबुल लामजायो राष्ट्रीय उद्यान, और अगला जो है महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया। जी हाँ दोस्तों, आपका समय स्टार्ट होता है, आपका समय चल रहा है दोस्तों। आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपका समय समाप्त होता है अब, और इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में है। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में है ये दोस्तों। और 2016 में इसको यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैव मंडल की वैश्विक सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। तो ये आपका सही जवाब है दोस्तों। आप लोग कमेंट करिएगा, करके बताते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक स्थल घोषित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, पहला चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, दूसरा मानस वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा एलिफंटा की गुफाएं, और चौथा सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। आपका समय दोस्तों स्टार्ट होता है अब। आपके पास दोस्तों 15 सेकंड रहता है, और जब क्वेश्चन लगता है तब से जान लीजिए आपका समय स्टार्ट है। तो लमसम एक क्वेश्चन पर आपको 25 सेकंड दिए जाते हैं दोस्तों, और आपको 25 सेकंड में आंसर देना रहता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपका जो समय है वो समाप्त होने वाला है, और समाप्त होता है अब। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों आप लोग बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि आपका असम में है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दुर्लभ साइबेरियाई सारस। जी हाँ दोस्तों, दुर्लभ साइबेरियाई सारस जो है वो एक विरासत स्थल है, और वो कहाँ पर है देख रहे होंगे आप दोस्तों, वो कौन सा है? आप लोग इसका जवाब दीजिए दोस्तों, आपका समय चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपका समय चल रहा है दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान।
तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपकी स्क्रीन पर लिख दिया गया है, कह रहा है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूब लाइट गार्डन कहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूब लाइट गार्डन कहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब है आप लोग बताइए। आपका समय चल रहा है दोस्तों, आपका समय दोस्तों चल रहा है और इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट करके। और दोस्तों आपका समय जो है समाप्त होता है अब। और क्या है इसका सही जवाब? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर हो जाएगा दोस्तों। और ये 12 हेक्टेयर, जी हाँ दोस्तों, ये 12 हेक्टेयर में फैला हुआ है और वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा, जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है दोस्तों, कह रहा है एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आपका समय चल रहा है और आप कमेंट करते रहिए और बताते रहिए। जैसा कि हमने कहा है कि जब प्रश्न स्क्रीन पर लगता है तब से आपका समय स्टार्ट होता है, और जब मैं बोलता हूं कि आपका समय समाप्त होता है अब, वहां तक आपका समय चलता रहता है दोस्तों। उसके बाद आपके कमेंट नहीं लिए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपका समय समाप्त होता है अब, और इसका जो सही जवाब है दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, असम। दोस्तों जो आपका सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है वो असम में है, और 1901, जी हाँ दोस्तों, 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। और ये डिगबोई, असम में स्थित डिगबोई में, असम में एक स्थान है डिगबोई, वहाँ पर ये स्थित है और एशिया का पहला उत्खनित होने वाला तेल कुआं है। जी हाँ दोस्तों, एशिया का पहला उत्खनित होने वाला तेल कुआं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। और अगला प्रश्न लिखा है, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस कौन से राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों। और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, और आप जवाब देते रहिए। आपका समय चल रहा है दोस्तों, आपका समय चल रहा है दोस्तों, आप जवाब देते रहिए और बताइए कि इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका समय समाप्त होता है अब, और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों, वो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और दोस्तों अगर मैं बताऊं तो 1988, जी हाँ दोस्तों 1988, दोस्तों 1988 में भारत तथा सोवियत संघ रूस के द्वारा इस परमाणु ऊर्जा को स्थापित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत और सोवियत संघ रूस के द्वारा इस परमाणु ऊर्जा को स्थापित किया गया था दोस्तों। अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं, और अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, और क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस क्या है। जी हाँ दोस्तों, 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित रिसर्च बेस का नाम क्या है दोस्तों। आपका समय चल रहा है, जैसा कि मैं बताता हूं कि आपका समय स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन लगाते ही और समाप्त होता है जब हम बोलते हैं तब। जी हाँ दोस्तों, तो आपका समय चल रहा है दोस्तों, और आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका समय समाप्त होता है अब, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भारती। जी हाँ दोस्तों, भारती, दोस्तों जो ये भारती रिसर्च बेस था ये जो है 2012 में स्थापित हुआ था, जैसा कि मैंने पूरा विस्तार में, देखिए जब मैं पढ़ाता हूँ तब विस्तार में बताता हूँ, चूँकि ये आपका
क्विज चल रहा है, इसलिए इसमें जो है ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे एक प्रश्न पर। तो दोस्तों ये बता दें आपको कि जो भारतीय रिसर्च बेस था ये 2012 में स्थापित हुआ था, और इसके पहले जो है आपका मैत्री स्थापित हुई थी रिसर्च बेस, और उसके पहले आपकी दक्षिण गंगोत्री स्थापित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री 1983 में स्थापित हुई थी और मैत्री जो है 1988 में स्थापित हुई थी, जबकि भारती जो है 2012 में स्थापित हुई थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपका समय चल रहा है दोस्तों, और आप अपने प्रश्नों के जवाब देते रहिए दोस्तों। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पेंटियानक, कैरो, पोर्ट ब्लेयर और एडिस अबाबा। जी हाँ दोस्तों, चार ऑप्शन दिया हुआ है, और इसमें से आपको ये बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। आपका समय समाप्त होता है अब, और इसका जो सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। जी हाँ दोस्तों, पोंटियानक। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा पोंटियानक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं, और अगले प्रश्न पर अगर हम बात करें तो ये इक्वेटर सिटी भी इसको कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भूमध्य रेखा पर देश पढ़ते हैं उसे इक्वेटर सिटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। आप कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकाश गंगाओं मिल्की वे के सबसे करीब है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी आकाश गंगा है जो कि मिल्की वे के सबसे करीब है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी आकाश गंगा है जो मिल्की वे के सबसे करीब है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए, आपका समय चल रहा है, और आप लोग जैसा कि हमने कहा कि जब प्रश्न स्टार्ट हुआ करे तब से आपका समय स्टार्ट होता है, और आप लोग कमेंट करते रहा कीजिए और बताते रहा कीजिए कि आपका समय, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों। चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, आपका समय जो है समाप्त होता है अब, और इसके अगर सही जवाब की बात करें दोस्तों तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। जी हाँ दोस्तों, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और ये जो है हमारी आकाशगंगा से 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। जी हाँ दोस्तों, एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो हमारी जो आकाशगंगा है उससे 2.5 मिलियन दूरी पर है दोस्तों। दोस्तों अगर जो है वीडियो अच्छा लग रहा हो, देख रहे होंगे पसीना हो गया है, क्योंकि देखिए फ़ैन चलता नहीं है, फ़ैन चलने लगता है तो आवाज़ में प्रॉब्लम आती है, इसी की वजह से मैं फ़ैन बंद करके पढ़ाता हूं। और अगर आपके लिए मैं इतना कर रहा हूं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगाया जाता है। अब कह रहा है दोस्तों, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आपका समय स्टार्ट है, चल रहा है आपका समय दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आप लोग कमेंट करिए और बताते रहिए कि इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। और जैसा कि हमने कहा है कि आज का विनर हमारे पैसे से लड्डू खाएगा दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिए कि हमारे पैसे से आप लड्डू खाइए, और मैं चाहूँगा कि आप सबको मैं अपने पैसे का लड्डू खिलाऊँ, शीघ्र ही जब समय आएगा तो खिलाया जाएगा दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है, और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों उत्तरी हेमिस्फीयर का, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्सा मेजर। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्सा मेजर। और ये देखिए नक्षत्र को, देखिए कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है, तो ऊर्सा मेजर को ग्रेट बियर कहा जाता है दोस्तों। वहीं पर देखिए ऊर्सा माइनर लिखा हुआ है, और ऊर्सा माइनर को दोस्तों लिटिल बियर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्सा माइनर को लिटिल बियर कहा जाता है, जबकि ऊर्सा मेजर को क्या कहा जाता है दोस्तों, ऊर्सा मेजर को नक्षत्र ग्रेट बियर कहा जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, और अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, और कह रहा है कि हबल का नियम किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, हबल का नियम किससे संबंधित है, और आप लोग कमेंट करिए और बताइए, आपका समय दोस्तों चल रहा है, और आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों।
जैसा कि हमने कहा है दोस्तों, आज आपको लड्डू मेरे पैसे का मिलेगा। वीडियो लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। और आपका समय समाप्त होता है। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हबल का नियम जो है वो खगोलिकी से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, और हबल का नियम कहता है कि गैलेक्सियों की हमसे दूरी जो है भागने की गति दूरी के समानुपाती होता है। जी हाँ दोस्तों, खगोलिकी जो है उसकी जो दूरी होती है वो हमारे भागने की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जी हाँ दोस्तों, भागने की गति के समानुपाती होती है। उल्टा मैंने बता दिया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है और आपके स्क्रीन पर समय भी चल रहा है दोस्तों। और आपकी स्क्रीन पर समय चल रहा है दोस्तों, लाइट चली गई है, कुछ समय प्रॉब्लम होगी दोस्तों, लेकिन आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। हम भले ही ना दिखें लेकिन क्वेश्चन ज़रूर दिखेगा। तो चलिए, सही हो गया। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन, हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 आपका नहीं लिया जाएगा, थोड़ा लाइट चली गई थी इसमें तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 आप छोड़ दीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मैंने उसमें एक्स्ट्रा डाला है, तो एक क्वेश्चन आपका ये छोड़ दिया जाता है ना। तो मतलब ये सही में काउंट होगा ना तो गलत में काउंट होगा। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर लगा है दोस्तों, देखिएगा। ये 45 नंबर था जो कि चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए दोस्तों, सितारों पर लागू होती है। और ये जो है काउंट नहीं किया जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन ए होगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है दोस्तों? तो आपका समय स्टार्ट होता है दोस्तों, और 15 सेकंड का आपके पास समय रहता है दोस्तों, और इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। पहला मेक लिखा है, दूसरा प्लूटो लिखा है, तीसरा सरेस लिखा है, चौथा एरिस लिखा है। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब क्या होगा? आपके जवाब की प्रतीक्षा है दोस्तों। और आपका प्रश्न समय जो है समाप्त होता है अब। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरेस। जी हाँ दोस्तों, 47 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरेस। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है दोस्तों, कह रहा है पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आपका समय चल रहा है दोस्तों, और आप इसका कमेंट करिए और आंसर बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन दोस्तों, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन, चौथा सिलिकॉन। दोस्तों आपका समय समाप्त होता है अब। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सिलिकॉन। सबसे ज़्यादा दोस्तों ऑक्सीजन पाई जाती है बाह्य पटल पर, और उसके बाद दोस्तों सिलिकॉन पाई जाती है। तो दोस्तों आपके प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो आपका है महाद्वीप एवं द्वीप से है दोस्तों। कह रहा है यदि आप फिलीथेयो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? जी हाँ दोस्तों, यदि आप फिलीथेयो द्वीप पर हैं तो आप किस द्वीप में मतलब किस देश में होंगे दोस्तों? और आप कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। आपका समय दोस्तों चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन लगते ही आपका समय स्टार्ट हो जाता है, और आपका समय चलता रहता है। लमसम आपको 20 से 25 सेकंड दिए जाते हैं दोस्तों, और आपका समय जो है दोस्तों समाप्त होता है अब। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, मालदीव। दोस्तों जो आपको फिलीथेयो द्वीप दिख रहा होगा, फिलीथेयो द्वीप जो है ये मालदीव में है, और मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर में स्थित देश है मालदीव। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगाया जाता है अब, और कह रहा है स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? जी हाँ दोस्तों, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? और इसका जो है जवाब आप लोग कमेंट करिए और बताइए। आपका समय चल रहा है दोस्तों, आपका समय चल रहा है दोस्तों, और इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट करिए और बताइए। और दोस्तों आज लड्डू तो खाना ही है, और आज लड्डू खाना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों समय आपका समाप्त होता है अब, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल सागर। जी हाँ दोस्तों, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है दोस्तों। और अगर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, तो इसकी लंबाई जो है
इसकी लंबाई जो है वो 164 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई दोस्तों 300 मीटर है। 164 किलोमीटर और 300 मीटर यानी कि 164 किलोमीटर लंबी और 300 मीटर चौड़ी ये नहर है दोस्तों। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इसको 1969 में खोला गया था, ये नहर 1969 में खोली गई थी। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। कह रहा है से हिम नदी ग्लेशियर बनती है, हिम नदी ग्लेशियर किससे बनती है? और आपका समय चल रहा है दोस्तों, आपका समय चल रहा है दोस्तों, कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पिघलता हुआ बर्फ, बर्फ का जमाव, भारी ओलावृष्टि, भारी वर्षा, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्फ का जमाव। जी हाँ दोस्तों, बर्फ का जमाव इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है और कह रहा है न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी संकेतकों के में किए जाते हैं, मतलब सुनामी उनामी जब आती है तो कौन से रंग का प्रयोग करते हैं दोस्तों? और आपका समय दोस्तों समाप्त होता है अब, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सफ़ेद और नीला। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद और नीले रंग का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न पर अगर हम चलें दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है विश्व में सबसे ऊँचा पुल मिल्लाऊ वायडक्ट किस नदी पर निर्मित है? जी हाँ दोस्तों, सबसे ऊँचा पुल मिल्लाऊ वायडक्ट किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? और अगर मैं एक क्लू दे दूं इस पे, लेकिन नहीं दूंगा क्योंकि बेईमानी मैं करता नहीं हूं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए, आपका समय चल रहा है और आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। और आपका समय समाप्त होता है अब, और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका टार्न नदी। और एक प्रश्न आपका बोनस दिया जा रहा है, जो भी बच्चा ये बताएगा कि ये टार्न नदी किस देश के किनारे स्थित है, जी हाँ दोस्तों टार्न नदी किस देश के किनारे स्थित है, उसको जो है एक नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, टार्न नदी किस देश के किनारे स्थित है? और आपका इसका समय समाप्त होता है अब। और टार्न नदी दोस्तों फ्रांस के तट पर स्थित है, मतलब फ्रांस टार्न नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा वो फ्रांस होगा, जो भी जवाब दिया होगा उसको एक नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, विक्टोरिया झरना। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आपको दिख रहा है विक्टोरिया झरना कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, विक्टोरिया झरना कहाँ स्थित है दोस्तों? आप लोग कमेंट करिए, समय आपका चल रहा है दोस्तों, और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। और आपका समय चल रहा है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं इसके सही जवाब की बात करूं तो आपका समय समाप्त होता है अब, और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, विक्टोरिया झरना जो है वो आपका अफ्रीका में है। और अगर कोई पूछे कि अफ्रीका में कहाँ पर है, तो दोस्तों जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। जी हाँ दोस्तों, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया झरना, जो कि कहां पर है? अफ्रीका में है दोस्तों। इसका ऑप्शन डी हमारा सही था। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, और आपकी स्क्रीन पर चल रहा है अगला प्रश्न। कह रहा है पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है, और आपका समय जो है वो चल रहा है दोस्तों। और चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए दोस्तों और बताइए। जैसा कि हमने कहा है दोस्तों, आज आपको लड्डू हमारे पैसे का खाना है, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो दोस्तों आपका जो समय है वो समाप्त होने वाला है, और आपका समय समाप्त होता है अब, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों
कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तमु मासिफ। जी हाँ दोस्तों, तमु मासिफ इसका एकदम सही जवाब होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और अगले प्रश्न पर दोस्तों चलें, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। कह रहा है सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय, मतलब एक ग्रह है जो कि वामावर्त परिक्रमा नहीं करता, दक्षिणावर्त करता है, और वो कौन सा है? तो दोस्तों दो ग्रह हैं, आपका समय अच्छा भी चल रहा है दोस्तों, और दोस्तों आपका समय समाप्त होता है अब, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह, दो ग्रह हैं आपके, एक शुक्र है और दूसरा अरुण है दोस्तों। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह यही दो ग्रह हैं जो उल्टा चक्कर लगाते हैं, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सभी सीधे चक्कर लगाते हैं दोस्तों। मैंने विस्तार में आपको बताया है, जो भी बच्चा नया जुड़ा होगा वो पुराने जितने भी वीडियो, मैंने 10 वीडियो केवल बताए हैं, और उस 10 वीडियो में पूरी जियोग्राफी के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कवर किए हैं दोस्तों, तो आप लोग उसको बैक करके वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, और कह रहा है कि 2015 में ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। जी हाँ दोस्तों, 2015 में ग्रहों पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, और आपका समय चल रहा है दोस्तों, आपका समय चल रहा है दोस्तों, आप कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। लमसम आपको 25 सेकंड आपको दिए जाते हैं दोस्तों, ये जान लीजिए, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह पर भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी, और इसको जो है अमेरिका ने की थी। अमेरिका ने दोस्तों 2015 में मंगल मिशन पर अमेरिका के नासा के वैज्ञानिकों ने जो है इसकी खोज की थी। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न पर अगर चलें दोस्तों, तो कह रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस होती है? जी हाँ दोस्तों, शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस होती है दोस्तों? जी हाँ, आप लोग कमेंट करिए और बताते रहिए इसका सही जवाब क्या होगा। आपका समय चल रहा है दोस्तों, आपका समय दोस्तों चल रहा है, और आप लोग बताते रहिए कि इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। आप इसके सही जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, और आपका समय दोस्तों समाप्त होता है अब, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है दोस्तों। कह रहा है कि प्लूटो के चांद का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, प्लूटो के चांद का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, और प्लूटो के चांद का क्या नाम है आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। आपका समय दोस्तों चल रहा है, आपका समय दोस्तों चल रहा है, और इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका समय समाप्त होता है अब, और इसका सही जवाब होगा दोस्तों चिरान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा चिरान। और चलिए एक नंबर का आपको फिर से बोनस दिया जाता है, और वो बोनस का प्रश्न है कि जो प्लूटो है, प्लूटो के कोई दो चांद का नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, एक तो ये चिरान लिखा हुआ है, दो चांद का नाम और बताइए दोस्तों। मैं जब पढ़ा रहा था तब बताया था, और एक नंबर का बोनस है आपको, और आपके पास चार सेकंड है दोस्तों, आपके पास चार सेकंड है दोस्तों, मैं समय देख रहा हूं दोस्तों, और आपका समय दोस्तों समाप्त होता है अब, अर्थात प्लूटो के अगर दो चांद की बात की जाए दोस्तों, तो प्लूटो के दो चांद जो हैं वो निक्स और स्टिक्स हैं। जी हाँ दोस्तों, निक्स, स्टिक्स और चेरान, तीन चांद हो गए दोस्तों, और तीन चांद, यहाँ एक चांद है, वहाँ तीन चांद है दोस्तों, चांद तो और हैं मगर तीन चांद का नाम हमने बताया। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा दोस्तों। कह रहा है न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है दोस्तों, और आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या होगा इसका सही जवाब, और आपका समय दोस्तों चल रहा है, आपका समय दोस्तों चल रहा है, और आप लोग जो है इसके सही जवाब
को बताइए, कमेंट करिए। और दोस्तों मज़ा आ रही हो तो अंगूठा भेजिए। जी हाँ दोस्तों, मज़ा आ रही हो तो अंगूठा भेजिए दोस्तों। और आपका समय समाप्त होता है दोस्तों, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कृष्ण बीवर। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है और ये मिट्टी से संबंधित प्रश्न है, और मिट्टी भारत की मिट्टी दोस्तों। सुबह जो है आपको पता होगा कि प्रोग्राम का एक वीडियो डाला गया है, अगर आपको ना देखे हो तो वहाँ देखिए और प्रोग्राम का आनंद लीजिए। बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो है डांस किए हैं उसमें, तो आप देखिएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक दी गई है, ऊपर आई बटन दिख रही होगी, वहाँ पर भी। आपका समय समाप्त होता है दोस्तों और इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए काली मिट्टी। काली मिट्टी में हमेशा कपास की खेती की जाती है दोस्तों, और काली मिट्टी में हमेशा कपास की खेती होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है दोस्तों। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम के उच्चतम उत्पादक हैं? जी हाँ दोस्तों, कच्चे रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा राज्य करता है दोस्तों? चार ऑप्शन दिए गए हैं, और आपका समय दोस्तों चल रहा है, आपका समय दोस्तों चल रहा है, और आप लोग जवाब देते रहिए दोस्तों। और आपका समय समाप्त होता है अब दोस्तों, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कच्चे रेशम का जो उत्पादन होता है दोस्तों, वो कच्चे रेशम का जो उत्पादन होता है वो होता है दोस्तों कहाँ पर? तो वो होता है कर्नाटक में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कच्चे रेशम का जो उत्पादन होता है दोस्तों वो कर्नाटक में होता है दोस्तों। अगले प्रश्न पर अगर हम चले दोस्तों, तो कह रहा है, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? जी हाँ दोस्तों, आपका समय चल रहा है दोस्तों, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? जी हाँ दोस्तों, सारे प्रश्न मैंने कराए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा प्रश्न मैंने नहीं पूछा है आपसे, और जो बोनस वाले हैं वही एक्स्ट्रा वो भी नहीं है, बताया हूँ मैं भी उसको भी। तो दोस्तों आपका समय समाप्त होता है, और कह रहा है कि दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? तो दोस्तों दक्कन के पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, अर्थात कपास इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है दोस्तों, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लक्षद्वीप से कौन सा द्वीप है जो नहीं संबंधित है? तो दोस्तों आपके पास 15 सेकंड का समय रहता है, और आप लोग जवाब दीजिए, और इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा में हूँ दोस्तों। और आपका जो है समय जो है अब समाप्त तो होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा नील। जी हाँ दोस्तों, नील द्वीप जो है ये दक्षिणी अंडमान में है, ठीक दक्षिणी अंडमान में लगभग 15 किलोमीटर दूर पर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, जो कि नील द्वीप है वो आपका लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है, वो दक्षिणी अंडमान से संबंधित है। और आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, और कह रहा है, हट्टी गोल्ड माइंस कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, हट्टी गोल्ड माइंस कहाँ पर स्थित है? और आप लोग इसका जवाब दीजिए दोस्तों, और बताइए कि हट्टी गोल्ड माइन कहाँ पर स्थित है। आपका समय दोस्तों चल रहा है, और आपका समय जो है समाप्त होता है आप, और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। हट्टी गोल्ड माइंस जो है कर्नाटक में है, और ये सोने की खान है। जी हाँ दोस्तों, सोने की खान है, और यहाँ पर जो है आपका आज का प्रश्न समाप्त होता है दोस्तों, यहाँ पर आज का प्रश्न समाप्त होता है दोस्तों। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने यार मित्र दोस्त को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और अगर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता हो तो आप बताइएगा, धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। जैसा कि आप देखे होंगे पिछले वीडियो में, जो पिछला हमारी मतलब कि टेस्ट वाली क्लास थी, उसमें मैं टाइमर नहीं सेट कर पाया था, इसमें टाइमर सेट हुआ है। जैसा कि आप देख रहे होंगे बीच बीच में कि टाइमर जो है स्टार्ट तो सही टाइम पर हो रहा है, बट ख़त्म पहले हो जाता है। तो दोस्तों उससे कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम तभी समाप्त होगा जब मैं बोला हूँ कि आपका समय समाप्त होता है, या फिर मैं जब इसका आंसर बताया हूँ, अर्थात 30 सेकंड का, कम से कम आपके पास 30 सेकंड का समय रहता है क्वेश्चन स्क्रीन पर लगने से लेकर के उसके आंसर बताने तक में, 30 सेकंड में जो है आपको मिलते हैं, और उसके बाद मैं जवाब बताता हूँ दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा है दोस्तों। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, कल इसी टाइम और इसी जगह पे। धन्यवाद, और लड्डू ज़रूर खाइएगा दोस्तों, और एक घंटे बाद
एक घंटे बाद आप लोग जरूर आइएगा, अर्थात एक घंटे का मतलब 9 बजे, 9 बजे आप लोग एक बार जरूर आइएगा, ताकि 9 बजे मैं अनाउंस करूँगा कि कौन सा लड़का जो है फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसके हिसाब से जो है उसको पैसा दिया जाएगा। और कल जो है उसकी फ़ोटो नाम के साथ आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।